शरद पवार के बंगले पर हमला को लेकर 109 सहित मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। जी हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के नेते शरद पवार के घर के ऊपर एसटी कार्यकर्ताओं के हमलों को लेकर पूरे देश में निंदा की बात चल रही है, जिसको चलते कल बड़े पैमाने पर एसटी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में आज ऐसा हुआ है कि सदावर्ती जी को पेश किया गया, उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी गई, उनको पुलिस कस्टडी का विरोध हमने किया था कि पुलिस कस्टडी ना दी जाए, वो भी खारिज कर दी गई एप्लीकेशन। फिर उसको 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई कि जांच करने को, कि जो पुलिस कहती है कि कोई साजिश थी और मास्टरमाइंड कोई था, ऐसा कुछ सरकारी वकील की भूमिका थी, तो अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए 2 दिन जांच करने को दिया है पुलिस को, और 2 दिन में अगर कुछ निष्पन्न होता है तो जो बाकी जो 109 कुछ लोग हैं जो गिरफ्तार होकर जुडिशल कस्टडी में आज चले गए, उनमें से चाहे पुलिस तो कस्टडी ले पाएगी। और अभी 11 तारीख है अदालत की, और हमें यकीन है कि पुलिस का काम फेयर होगा, हमें कोई शंका नहीं है। सदावर्ती जी का ये भी कहना है कि उनका चश्मा इस दरमियान टूट गया है। हाँ, उनका एक और शिकायत अदालत से खुद शिकायत की सदावर्ती जी ने, कि जब उसको घर पे कल पुलिस पकड़ने आई थी तो 20 जान पुलिस वाले आए थे घर में, उसमें कोई एसीपी शिंदे था जिसका नाम उसने अदालत को बताया, उसने उसको मिसहैंडल किया और उसमें उसकी उंगली पे जख्म भी आ गया और उसका चश्मा भी टूट गया है, तो वो चश्मा टूट गया उसने वापस मांगा तो उसको पुलिस ने दिया नहीं, वो शिंदे साहब ने, और उसकी उंगली पे जो लगा है उसके बारे में शिकायत हुई तो जज साहब मजिस्ट्रेट साहब उसको चेंबर में ले गए, अपने आंखों से उसने जख्म देखा, और जो कुछ हुआ है वो ऑर्डर अभी अपलोड हुआ नहीं है, आज कुछ टेक्निकल ही चाह रही, अभी तक नहीं हुआ है अपलोड ऑर्डर। आज ये हुआ है कि सदावर्ती जी को 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है, उनको कस्टडी में अगर कुछ जांच में मिलेगा, जो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जब गिरफ्तार करने गए थे तो पुलिस ने इनके मिसेस को बुला के पहला ही बोल दिया, इनके मोबाइल वगैरह बात कर रहे हैं ये ले लो और आप रख लो, वो मोबाइल में अगर जांच कर रही है साजिश की तो मोबाइल से ही होगी, ये अलग बात है कि नंबर से भी 2 मिनट में हो जाती है पुलिस डिपार्टमेंट को, तो ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब कुछ साजिश वाला मामला, और 2 दिन में भी ऐसा कुछ निकलेगा नहीं, तो फिर जो सच्चाई है सामने आ जाएगी और जो न्यायालय फैसला होना है बरोबर होएगा, हित के हक में हो जाएगा। यानी कि एसटी कर्मचारी उनका ये आंदोलन है उसको खारिज करने के लिए ये साजिश। हाँ, ये एक अजीब मुद्दा है, FIR में लिखा गया है कि ये जो एसटी कर्मचारी थे जिन्होंने दंगा किया उनके वकील सदावर्ते जी हैं और इसलिए उन्होंने साजिश रची है, इसलिए उनको आरोपी भी बनाया, एक ये भी ग्राउंड है उसके जो घुसने का शब्द है उसके अलावा भी, तो इसमें तो ये ग्राउंड ठीक नहीं लगता है। कल अगर मेरा क्लाइंट कोई मर्डर किया हुआ है मैं उसको बेल करा देता हूँ और अगर बाहर जाकर दोबारा मर्डर करता है 2 दिन में तो क्या मुझे आरोपी बना देंगे कि मैंने उसको शिकार भेज दिया था, ये तो थोड़ा बैलेंस नहीं लगा मामला मुझे। तो मरा जे मुद्दा जे